कितना दिमाग है, लिटरली बोलने लग गया था अपने मुंह से, बोलने की कोशिश कर रहा था कि भाई मेरे से बात करो, बहुत प्यारा रिएक्शन था। देख लो गाइस, आज ना भाई पूरे दिन से मेरे साथ खेलने लग रहा है। गाइस मजा ही आ गया भाई जोजो का रिएक्शन देख के। क्या हो गया भाई, क्या गिर गया क्या तू? कहाँ से? सीन हो गया गाइस, कैसे गिरा भाई? पैर तो जल गया, पैर ही पैर। कौन से पैर में लगी है? गाइस सीन हो गया भाई, बहुत गंदे वाला। अच्छा भाई सीढ़ियों पे से गिर गया, कोई डॉक्टर के पास चलते, रो मत रो मत। मूव वगैरह लगा दे, दवाई वगैरह लगा दे, पानी पिला दे इसको। पानी पी ले भाई, हड्डी ना टूट गया भाई, मुड़ गया एकदम से, पूरा पैर मुड़ गया, पूरा मुड़ पलटी खा गया, पर नीचे गिर गया एकदम से। थोड़ी बहुत चोट लगी होगी ना भाई, वो ठीक हो जाएगी, पर गाइस अगर हड्डी में चोट लग गई ना, बहुत दिनों तक इसको बेड में लेटना पड़ेगा, इसको डॉक्टर के लेके चलते हैं भाई। ए गाड़ी स्टार्ट कर। तो ये देख लो गाइस, फाइनली भाई दादाजी के पास आ गए। ये लोग गाइस बहुत पुराने हैं भाई, ठीक कर देते हैं भाई जब भी। उतरने की कोशिश कर, उतर 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 उतर। ये जिन्ने में से गिर गया आज ये। ओ लकी, तू आ कर रो रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक्टिंग से माने। अरे बस कर भाई, बहुत दूर से बच्चे आ गए भाई, बहुत दूर से आ रही है आवाज, दूर से आवाज आ रही है। चल भाई अजय, अजय ठीक हो जाएगा, एक ही बार दर्द होगा बस। बैठ जा। पैर पकड़ के भाई पूरा पैर मोड़ दिया भाई, इनके हाथ में जादू है, पैर पकड़ के भाई सारी कमी बता देते भाई, पैर में क्या कमी है, कहाँ से दिक्कत है, कैसी दिक्कत है भाई, सारी चीजें बता देते हैं भाई। और मोड़ तोड़ के गाइस पूरा पैर ठीक कर दिया। कह रहे गाइस एक बार एक्सरे और करवा लो, तो एक्सरे करवाने जा रहे हैं भाई अजय का। देख लो भाई कितना दर्द हो रहा था अजय को, दूर दूर तक गाइस घरों में आवाज गई है, तो यहाँ पे ना गाइस भीड़ इकट्ठी होगी सबकी, घर से बाहर निकल आई सारे बच्चे सारी औरतें। फाइनली भाई एक्सरे भी करवा लिया, खुशखबरी है एक्सरे में इसकी हड्डियां बिल्कुल ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई हड्डियों में, तो ये ठीक हो जाएगा। अभी मैं खा रहा हूँ खाना, बहुत दिनों से भाई फीके चावल खा रहा हूँ, आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और हेल्दी डाइट चल रही है, बिल्कुल फीके चावल खा रहा हूँ। एक दो महीने के लिए गाइस सबको ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल सारा बॉइल्ड खाना खाओ, दो महीने भाई पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, मजा आ जाएगा। बाकी गाइस खाना तो खा लिया है, और ये देख लो गाइस हमारी गैंग वाले भाई मिलने आए हमसे, दो बच्चे है भाई छोटे छोटे, और गाइस देखना भाई बहुत सीरियस इशू के बारे में बात भी करनी है। तीन चार दिन पहले ना गाइस तीन बच्चे मेरे से मिलने आए थे, और अपनी फैमिली से बताए बिना आए थे घर पे, तो मेरे पास गाइस फोन आया था कि वो बच्चे ना गाइस मिल नहीं रहे हैं, गुम हो गए थे। जो भी मेरे से मिलने आए ना, जो भी बच्चा है गाइस अपनी फैमिलीज के साथ मिलने आया, अपनी दीदी के साथ, अपने पापा मम्मी के साथ। और गाइस मैं भाई ज्यादातर घर पे रहता नहीं हूँ, ऐसा भी हो जाता है कि मैं घर पे होता ही नहीं हूँ, मतलब ज्यादातर गाइस 90% टाइम्स मैं घर पे होता ही नहीं हूँ, आधे लोग गाइस वापस घर पे जाते हैं मतलब बिना मिले। ये देख लो गाइस हमारी गैंग वाले भाई मिलने आए हमसे। कहाँ से आए भाई? नई बस्ती से। चुपचाप आए हो घर से? नहीं, बता के आए हो? पक्का बता के आए हो ना? झूठ तो नहीं बोल रहे? रुक तेरे को बताते, बात करूंगा घर पे तुम्हारे, दो नंबर दो। मैं तो साथ आया था भैया, मैं तो बता के नहीं आया, भैया मैं साथ आया हूँ। और आप बता के आए हो घर पे? नंबर दो, मैं नंबर तो याद नहीं है। याद नहीं है नंबर? पहले तो बोल रहे थे मैं बता के आया हूँ घर पे, झूठ क्यों बोलते हो भाई? यहाँ पे ना बच्चे उठाने वाले घूमते हैं। अच्छा तुम्हारे घर पे चलूं? हैं? बता के नहीं आया। बता के नहीं आए? तो मैं वो देखने गया था कि कितना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गलत बात है यार। और अगर कोई तुम्हें उठा के ले आता रास्ते में? फिर गाइस मैं उसके बाद हॉस्पिटल चला गया था, अभी फिलहाल मैं हॉस्पिटल गया था, मेरे को ना गाइस अजीब से चक्कर आ रहे थे, और सब कुछ ठीक है भाई, अभी गाइस वापस घर पे जा रहे हैं। जो जो आजा घूमने चलते हैं, आजा चल 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 गाइस। जो जो को पार्क में घुमाने लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना गाइस बकरी घूम रही है, और जो जो बकरी को पाल रहा है। कम ऑन, बाकी गाइस अजय को भी पार्क में लेके जा रहे हैं, अजय के पैर की प्रैक्टिस करवा रहे।
चल 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 चल। ओ भाई ये देख लो गाइस, थोड़ा थोड़ा चल रहा है भाई ये। ये देख लो गाइस, जो जो भाई पिल्लों से खेल रहा है यहाँ पे आगे। ठीक करने के बाद थोड़ा बहुत चल पा रहा है ये, नहीं तो चल नहीं पाता अभी तक तू, है ना? सही सही करवा लिया मैंने, अगर नहीं करवाता ना तो और दर्द हो जाता। और दर्द होता, चल नहीं पाता तू, है ना? भागने की कोशिश कर, भागने की कोशिश कर। हाँ हाँ वो सही चल रहा है भाई ये तो, लंगड़ा मत बस। गाइस अपन भाई सीन हो गया था, एक देसी कुत्ता है भाई जोजो पे अटैक कर दिया था देसी कुत्ते ने। कमाल कर दिया जे तूने तो भाई, चोट लगी हुई है फिर भी बैट मारो। अजय ने भाई बचा लिया भाई जोजो को, ड्यूक होता ना भाई इस कुत्ते को छोड़ता नहीं। ड्यूक से डरता है, वो ड्यूक से डरता है, दूर भाग जाता है देख के। तो मतलब ड्यूक को जब भी लाएंगे वो पास में ही नहीं आएगा, ना पास में आएगा, भाग जाएगा। वो कुत्ता ना भाई इस पार्क में रहता है और चुपचाप अटैक करता है भाई सब पे। भाई ध्यान से चलना, ध्यान से काट लेगा अगर आएगा तो। और अकेला नहीं है गाइस, उसकी पूरी गैंग है यहाँ पे। जब ड्यूक और पैंथर को लेके आता है ना तब गायब हो जाता है, तब छुप जाता है। मजा आ गया घूम के। तो गाइस फिलहाल आ गए घर पे, अजय को चलना सिखाने गए थे, बस भागना रह रखा, अब चलना भी सीख गया है। कितने में चलना सीख गया? शाबाश बेटा। आज गाइस पता ही नहीं चला भाई कैसे सीढ़ियों पे से गिर गया एकदम। थोड़ी बहुत ठीक है, चलो ना पकड़ गया, ऐसे कर दिया उन्होंने। इतना तेज रोया, सारे मोहल्ले के बच्चे औरतें सब इकट्ठे हो गए देखने के लिए भाई हो क्या गया। बाकी ये देख लो गाइस, घर के बाहर जोमेटो वाला बाइक खड़ी करके चला गया, फूड डिलीवरी वाला घर के बाहर बाइक खड़ी करके चला गया। और ये देख लो गाइस, जोमेटो वाले के साथ प्रैंक कर दिया भाई बाइक चोरी का। ओ भाई साहब गाइस, बाइक चोरी कर ली भाई जोमेटो वाले की, भाई भाई बोरा जोमेटो वाला, ओ भाई बोरा। और भाई इसकी बाइक लेके चला गया, भाई इसकी बाइक लेके चला गया भाई साहब। ओ भाई साहब सीन हो गया गाइस, ये देख लो गाइस जोमेटो वाले की बाइक चुरा के ले, अच्छा वापस भी आ गया। गाइस बताओ भाई डर गया था, कह रहा हार्ट अटैक आ गया था मेरे को तो। बाकी गाइस अभी फिलहाल अंधेरा हो गया है और बाहर ना गाइस सर्दी बहुत ज्यादा है, मतलब उनको देख लो गाइस जो लोग बाहर सोते हैं ना भाई, उनको कितनी सर्दी लगती होगी जिनके पास घर नहीं है, जो फुटपाथ पे सोते हैं। कमरा ना ओढ़ने के लिए कम्बल वगैरह कुछ भी, खाट बिस्तर चटाई कुछ नहीं होता, कम्बल भी नहीं होता। तो कम्बल बांट के आए आज? बांट दो। बाकी गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बहुत सारे कम्बल लेने, गाइस सबको भाई कम्बल बांट के आएंगे, चलते है ना। मेरे दस्त लगे हुए हैं, दस्त लगे हुए हैं मेरे, पतली आ रही है बिल्कुल पानी जैसी, दस्त लगे हुए हैं मेरे। मैं गाइस चीनू को लूज मोशन लगे हुए हैं तो ये साथ नहीं जा रहा, मेरे भी आ रही है जाने दोनों, पाद के साथ निकल जाती है मेरी, मेरा नहीं पता। जा भाई तेरी इमरजेंसी है भाई, कंबल की दुकान खुली पा जाए तो सही रहेगा। साइज भी और क्वालिटी गरम होंगे ना सर्दी में, दे दो अंकल ये सारे दे दो। मतलब गाइस जितने लोग भी ऐसे दिखेंगे ना हेल्पलेस, गाइस सबको कंबल बांट देंगे, सही में जरूरतमंद है सिर्फ उन्हीं को देंगे। आधा घंटा हो गया, हमें कोई भी ऐसा नहीं मिला भाई जिसको कंबल दे सके। गाइस वैसे अच्छी बात है, हमारे देश से गरीबी कम हो रही है गाइस, देख के पता चल रहा है अब। चांद है मामा का लड़का, ये दिल्ली में रहता है। अरे इधर अब तक तो कंबल और लेने पड़ जाते हैं हमें, यहाँ तो मिल ही नहीं रहे भाई बहुत देर से तो मैं खुद। गाइस इधर जो लोग झोपड़ियों में रहते हैं ना, मतलब वो भी ऐसे है भाई, उनकी झोपड़ियों में टीवी फ्रिज एसी सब लगा हुआ है, सारे लग्जरी चीजें हैं उनके पास, गाड़ी भी है गाइस उनके पास, गाड़ी दिखने को झोपड़ी में रहते हैं भाई। यहाँ के लोग गाइस अलग ही है भाई। गाइस ये रहा एक भाई, भाई कैसे सो रहा है भाई, ऐसे ही उड़ा दिया भाई हमने, जगाया भी नहीं उसको भाई, नींद खराब भी नहीं करी। अभी गाइस भाई को सुबह ही पता चलेगा कि कोई कंबल देके गया था। और रहता है तो अभी दे दे, इसकी बहन कर रहे हैं। ले ले भाई ले ले यार, बहुत ठंडी लग रहा है भैया। धन्यवाद भैया, कमल आप दिए भैया, बहुत ठंडी लगती है भाई साहब, आप जैसे भगवान हो भगवान। प्रेम से बढ़िया कमर दिया भाई, हम ठंडा रहे थे। अब लोगों की दुआ है, ऊपर वाले के दुए से कोई चीज की कमी नहीं होगी भाई। और कोई सेवा भी? थैंक्स यू भाई साहब, आपने कोई बात नहीं भाई। आपने कंबल क्यों नहीं ले रखा पहले से, सर्दी लग जाएगी आपको, आपने दे दिया अभी। कोई नहीं भाई, सही रहो है ना, सर्दी से दूर रहो, बच के रहो। तो गाइस फिलहाल मैं घर पे और ये देख लो गाइस 12 बजने वाले हैं, सिर्फ 5 मिनट है। और गाइस एक स्पेशल चीज, गाइस मैंने आईफोन 15 प्रो लिया था, 15 प्रो से वीडियो शूट करता हूँ। और जब गाइस मैंने आईफोन 15 प्रो लिया था ना गाइस, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, मस्त फोन होगा, मस्त वीडियोस बनाएंगे, मस्त करेंगे। गाइस मैंने काफी सारे व्लॉगर से सुन लिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और खराब है गाइस आजकल भाई, मेरे साथ भी सीन हो रहा है। मतलब ये देख लो गाइस, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं ना, इसमें वीडियो बनाते बनाते फोन हैंग हो जाता है पूरा, आईफोन बैक वगैरह करके दोबारा से वीडियो शूट करनी पड़ती है गाइस, ब्लैक स्क्रीन आते और बहुत बार हैंग भी हो जाता है कैमरा। तो गाइस ये सारी दिक्कतें आ रही है भाई iPhone 15 Pro में। गाइस कमेंट करके बताना भाई तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता, जब तक चल रहा है जब तक चल रहा है, देखते हैं गाइस कोई नया अपग्रेड आएगा तो ठीक हो जाएगा, देखते हैं भाई। बाकी गाइस अभी फिलहाल टाइम ज्यादा हो रहा है तो फिलहाल मैं करूंगा एडिटिंग और फिलहाल वीडियो को इंपेंड करते हैं, यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो तुम्हारे भाई का चैनल निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।